इसके इस बंदे के बारे में मुझे मालूम नहीं था। अंकित तुम्हारी बात हुई ना इनसे? अंकित की इससे बात हुई, इनका नाम है मिस्टर लवलीश, LOVLISS मिस्टर लवलीश, और ये ओनर है वॉइड गेमर के, VOID वॉइड गेमर। ठीक, सीन छोटा सा क्या होता है बताते हैं आपको। अंकित ने हमको बताया कि कोई एक वॉइड गेमर है जिनके 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनका शायद बिल्ड आया है, उनका बिल्ड करना है, अच्छा बिल्ड है। और हमने कहा अच्छा, जैसे कोई भी गेमर आता है तो हम उसका इंस्टाग्राम पर चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि वो सच है झूठ, क्योंकि फेक बॉस आ जाते हैं। तो अंकित ने उसका लिंक भेजा, हमने लिंक चेक किया, वहाँ मेरे पास मैसेज तो आया था वॉइड गेमर का, ठीक, मिस्टर लवलीश का। बट जब हमने उनके प्रोफाइल चेक की अबाउट सेक्शन, तो वहाँ पे उनके जो लिंक पड़ा था वो पड़ा था अंकित मिस्टर वॉइड, इनका दूसरा चैनल है। असल में फेस रिवील नहीं किया, फेस रिवील किया नहीं, मिस्टर वॉइड पड़ा था। तो हम सोचे यार अगर वॉइड गेमर अगर ये ओरिजिनल होते तो इनका लिंक इनके मेन चैनल का पड़ा होता, तो नहीं। सो भाई ये बिल्ड है वॉइड गेमर के ओनर, जिनके पहले चैनल पर सब्सक्राइबर है 3.3 मिलियन, 3.25 मिलियन सब्सक्राइबर है, और दूसरा चैनल है उस पे सब्सक्राइबर है इनके मिस्टर वॉइड नाम है, और उस पे सब्सक्राइबर है अराउंड 90K के आसपास। सली सबसे पहले बात की जाए इनसे फोन मिला के। पिल जा रही है। This call is now being recorded. हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर लवलीश से हो रही है जो कि रहने वाले हैं HP हिमाचल प्रदेश के? जी सर बिल्कुल, जी सदा भाई। लवलीश भाई क्या हालचाल, सबसे पहले ये बताओ यार। आपका इंट्रो चल रहा है भाई, हमारे ऑडियंस को हाय बोल दो। लवलीश भाई एक बार हेलो बोल दो मेरी छोटी सी ऑडियंस को यार। भाई नहीं नहीं भाई, छोटी बड़ी बस नंबर का फर्क है भाई, ज्यादा भाई सारी ऑडियंस को मेरा हेलो, और भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब करके भाई पहले एक नंबर बस मेरे जैसा। अब आप ये बताओ कौन कौन लवलीश को पहचान गया, कौन कौन नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो लवलीश सबसे पहले यार इन सबके सामने हम तुमसे सॉरी बोलना चाहेंगे जो तुम्हारा पीसी इतना लेट हुआ, क्योंकि लवलीश थोड़ा सा टाइम की दिक्कत थी, थोड़ा मेरी तबीयत भी उड़ा गई थी यार। उसके लिए बड़ा मत मानना लवलीश। तो लवलीश सबसे पहले ये बताओ आपका, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? वाइट गेमर। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 3.5 मिलियन हो गए। ओ भाई साहब 3.5 मिलियन, और कंटेंट क्या डालते हो यार? भाई फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस है, मतलब शॉर्ट्स वीडियोस। अच्छा शॉर्ट्स वीडियोस, तो ये तुम अज्जू भाई की उस पे तरह में चल रहे हो क्या? तुमने फेस रिवील नहीं किया अपना? और तुमने फेस रिवील नहीं किया, बस ऐसी बात। अच्छा फेस रिवील नहीं हुआ तुम्हारा अभी है? नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा, और जो दूसरा चैनल है उसका क्या नाम है? तो ये पीसी तुमने किस पर्पस से बनवाया है लवलीश? देखो फीफा आपको बताया उसका जो हैवी गेम है नहीं, तो मैंने जितने वाला यूज था उसमें मैंने ले लिया पीसी। हाँ। बाकी देखते बाद में, अगर फ्यूचर में स्ट्रीम का प्लान बना तो मैं स्ट्रीम करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोगों से सबसे मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो ये पीसी असेंबल हुआ है ना, ये असेंबल हुआ है फ्री फायर की एडिटिंग के लिए, फ्री फायर को खेलने के लिए, कोई हैवी गेम नहीं खेलने हैं। तो इस पे आराम 30-50 पे आराम से चल जाएगा, इसीलिए हमने ये कार्ड दिया है बजट के हिसाब से, क्योंकि इसको अभी स्टार्टिंग करनी है इस सेगमेंट की। और बाकी अगर फ्यूचर में हैवी गेम खेलेगा तो फिर लवलीश कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए बढ़िया बनाए सिस्टम हम लोग। अच्छा, और लवलीश कहाँ रहने वाले, कहाँ के हो आप? हिमाचल से भाई। अच्छा भैया अपना हाँ, सिटी बहुत सही बात है। तो हम लोग लवलीश इसको बिल्ड करते हैं, और भाई जिसने जिसने वॉइड गेमर को नहीं देखा हो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर टाइम मिला तो हम डाल देंगे, अदरवाइज देखिए कहीं इनकी वो आ रहा होगा, फोटो आ रही होगी, इनके चैनल का लोगो पड़ा है, और ये वॉइड गेमर 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। गेमर जो भी हैं, अगर आप फ्री फायर से रिलेटेड हैं या फ्री फायर के चाहने वाले हैं, तो भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब जाके कीजिएगा। और वही सदा वाली बात कि भाई हम प्रमोशन नहीं कर रहे इसका, इसको जरूरत नहीं है। हाँ, ये मत सोचना भाई कि मेरी, क्योंकि मेरी ऑडियंस मात्र 1,75,000 है, हम लोग इनको प्रमोट नहीं कर रहे भाई को, इसको हमारे प्रमोशन की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अभी गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे बस मैं तो आपके हाथ का जादू देखना चाहता हूँ, देखते हैं मतलब जैसा आप रीड कर रहे हो तो मैं भी देखूंगा। अरे जादू डाल देंगे, जादू यार मेरे हाथ का नहीं, जादू है अंकित भाई के हाथ का, आपके पंडित जी के हाथ का। लेकिन
अभी सबका मिलके है ना, एक हाँ यार एक बस ये है कि टीम यूनिटी है, यूनिटी मिलके काम हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग लवली जी इसको बिल्ड करने जा रहे हैं, दो घंटे में बिल्ड करके तुमको अभी हम बिल्ड करने के बाद इसका वीडियो सेंड करेंगे, वीडियो सेंड करने के बाद तुम्हारा आउटरो लेंगे कि तुम्हें बताना कि तुम्हें फर्स्ट एक नजर में पीसी कैसा लगा। ठीक है भाई, मैं तो ऐसा सोचा ना दो घंटे तक मुझे लगता है मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा भाई, दो घंटे तक मेरे को वेट रहेगा, दो घंटे तक अब इंतजार नहीं हो पाएगा। चल हम कोशिश करते हैं, हम इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है लोलिश, ठीक है ओके बाय बाय। तो मुझे पता है इंट्रो लंबा हो गया, बट आप लोगों ने अभी चल रहा है लोगों को देखा कि मतलब 3.5 मिलियन एक बहुत बड़ा फिगर होता है यार, बहुत बड़ा फिगर। वो ये नहीं डिपेंड करता कि छोटी वीडियो डालता है कौन सी वीडियो डालता है, 3.5 मिलियन बहुत बड़ा फिगर होता है। इतना बड़ा गेमर होने के बाद कितना डाउन टू अर्थ बंदा है वो हम लोग नहीं देखा। अच्छा कौन समझेगा कि 175 कैसे पहुंचे हैं क्योंकि 175 सब्सक्राइबर हम लोग के भी अब हुए हैं ऊपर वाले की दुआ से। तो हम लोग किस तरह पहुंचे हम लोग जानते हैं, वो किस तरह पहुंचा होगा इतने लंबे उस पे नंबर्स पे जानता है। तो सोचो इतना ऊंचा बंदा, इतना बड़ा बंदा, इतने अच्छे से, इतना डाउन टू अर्थ होकर बात कर रहा है। और आप लोग ये मत सोचिएगा भाई 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर इतना छोटा पीसी बिल्ड बना दिया। अरे भाई नीड है भाई उसकी, उसकी जितनी नीड थी ना। और आपको बताया इसकी कोटेशन पूरी बनाई है अंकित ने, तो जितनी समझो अंकित ने उसे पूछा कि तुम्हारा काम कितना करना है। हमारा ये मोटो नहीं होता है कि आपको माल बेच के अपना पैसा कमा लें, स्टॉक खरीद लें, नहीं। हमारा मेन मोटो है क्या आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको लेना चाहिए। अगर बजट हो तो लो, नहीं बजट हो तो पहले बजट बढ़ाओ अपना, फिर लो पैसा बर्बाद। बाकी आप लोग वो जज करने के लिए बताइएगा कि क्या क्या रॉन्ग रहा है, क्या राइट रहा है। ठीक है मुझे बताया इंट्रो बहुत लंबा हो गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिटेल में इसके एक एक कंपोनेंट बताएंगे आपको, फट 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 बिल्ड करेंगे और देखना क्या गजब लुक निकाल के लाते हैं इसके पीसी बिल्ड का, ये वादा है हमारा। सो भाई लोग ये देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले कैबिनेट जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं लियानली लैंड कूल 2 मेश, फुल मेशी डिजाइन है। 3 120 mm के ARGB फैन आते हैं, पीछे कोई फैन नहीं आता, तो हम पीछे एक फैन लगाएंगे और दो फैन लगाएंगे नीचे। और ये इसका ओपन होने का मैकेनिज्म देखिए आप क्या है, देखिए ये साइड से आपने गिराया। और ये भाई साहब लेटेस्ट वाली है, पुरानी वाली नहीं है, पुरानी वाली में सिर्फ यहाँ पे टाइप सी का होल आ रहा था, इसमें देखिए टाइप सी आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो ये हो गया आप, इसके साथ साथ आपका दो हो गए 3.0 के पोर्ट, एक हो गया हेडफोन जैक, माइक जैक का स्विच, पावर ऑन ऑफ, और ये आपका रिसेट बटन, और ये आरजीबी बटन ऊपर 280 mm तक का आप लिक्विड कूलर लगा सकते हो। पीछे भी देखिए इसमें सबसे फुल पैक आता है, ये देखिए ये यहाँ से ये खुल जाएगा, यूँ खुलेगा और यहाँ से आपका ये डोर हटेगा और ये पूरा केबल मैनेजमेंट पूरा इनका पैक रहता है। ठीक है वाइट कलर पे देखिए कैबिनेट है, पहले ये जो ये स्ट्रिप देख रहे हैं वाइट, ये ब्लैक आती थी, अब इन्होंने इसको वाइट कर दिया है। और ये देखिए अंदर का हाल इसका, ये रहा ये आपका SMPS का कटआउट, ये हो गया आपका वो आपके हार्ड डिस्क लगने का स्लॉट, 1, 2, 3 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और ये देखिए पूरा दे रखा 2 TM का लिक्विड कूलर लगा लो। और नो डाउट कैबिनेट बहुत प्यारी है, वाइट कलर की हमने कैबिनेट चूज़ की है और इसमें हम ब्लैक कलर के इसके सारे A2Z कॉम्पोनेंट्स लगाने वाले हैं। और भाई साहब लुक देखिएगा आप क्या आएगा, कसम से बता रहा हूँ मैं, मज़ा ना आए तब कहना। सो भाई उसके बाद जो हम लोग इसमें पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कोर्सियर CX M सीरीज की CX650M80+ ब्रॉन्ज सेमी मॉड्यूलर। अब आपने देखी होगी हम लोग मोस्टली यूज करते हैं फुली मॉड्यूलर या ब्रॉन्ज नॉर्मल, बट नॉर्मल भाई तो भाई वहाँ नॉर्मल तो है नहीं, नॉर्मल तो यूज नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग ने यूज की है सेमी मॉड्यूलर, जिसमें अंकित कौन से वो केबल्स आती हैं, हाँ और ये काट देते हैं इसकी फटाक से सील, तो सील काटने के बाद देखते हैं अंदर से पावर सप्लाई कैसी है। तो भाई लोग ये देखिए पावर सप्लाई हमारी कोर्सियर CX650M बिल्ड क्वालिटी वाइज एक नंबर है, जबरदस्त है। और ये देखिए आपका ये हमारा है पावर केबल हो गई और ये उसके रिक्वायर केबल्स हो गए। ठीक तो बात करें प्राइस की, तो ये कॉस्ट करती है अराउंड 6000 के आसपास आपको। अब भाई लोग आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि हमने मदरबोर्ड रखा था ये ASUS TUF Gaming B550+ Wi-Fi,
हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑरस B50 एलीट AX-V2 एक ही है, लेकिन हमने रखा था ये, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम इसको यूज करेंगे ये। दोनों सेम प्राइस के आसपास हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये कि इसमें आपको थंडर बोर्ड का पोर्ट दे रखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैबिनेट यूज कर रहे हैं हम लोग, उस कैबिनेट में भी टाइप सी का थंडर बोर्ड पोर्ट दे रखा है, तो अगर इस मदरबोर्ड को यूज करते हैं तो वो पोर्ट का कोई मतलब नहीं, वो पोर्ट यूज कर नहीं पाएंगे भाई माने, ठीक। तो इसीलिए हम लोग जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं B550 ORS Elite AX-V2, देखो लिखा हुआ AMD थर्ड जेन एंड AMD थर्ड जनरेशन एंड डेस्कटॉप रेडी और नॉट कंपेटेबल विद AMD 5300G एंड AMD Radeon 3320G, ठीक। बट ये फिफ्थ जनरेशन में हम BIOS अपडेट करके इसको लगा देंगे, इजिली आराम से लगेगा, ठीक। और उसके अलावा इसका सीरियल नंबर कहाँ है, इसका सीरियल नंबर देखिए ये रहा, तो भाई लोग ये रहा हमारा मदरबोर्ड, 4 रैम स्लॉट, 2 NVMe की स्लॉट और दोनों भाई साहब ये देखिए थर्मल पैड के साथ आते हैं, 3 आपको ATI के स्लॉट मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, वेटेड मदरबोर्ड है और ये रहा इसके IO पोर्ट, 3.2 का भी पोर्ट है और वाईफाई के एंटीना है, वाईफाई और ब्लूटूथ का, ठीक। और बात करें कॉस्टिंग की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका अमाउंट पड़ा, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आयो जो हम लोग इसमें लिक्विड कूलर यूज करते हैं, कूगर की तरफ से आने वाला कूगर ORS एक्वा 240 ARGB 5S के वोल्टेज आता है, ARGB पे आता है, बहुत अच्छा लिक्विड कूलर है और फुल सील्ड पैक है। आपके सामने इसकी हम सील ब्रेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। और हाँ, इसी का हमने 360 में भी एक वीडियो में यूज किया है, उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, उसका 360। ये रहे इसके फैन जो कि हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, फैन इसके आते हैं कूगर एक्वा, ठीक। ये देखिए कूगर के फैन आते हैं 120 mm के, 1300 RPM के हैं आई थिंक, जहाँ तक ये लिखा है, इसमें लिखा है नहीं, इसमें लिखा नहीं है। और ये रहा हमारा, ये देखिए बहुत गजब बिल्ड क्वालिटी आती है, कूगर ने बहुत अच्छा काम किया है इसको बना के, और परफॉर्मेंस टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ORS इनटू कूगर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसका CPU स्पीड देखिए भाई साहब क्या गजब लाजवाब है। ये देखिए यहाँ पे ORS का लोगो RGB है, इसमें यहाँ पे भी RGB है। बात करें कॉस्टिंग की तो अराउंड आता है 7500 के आसपास आपको कॉस्ट करता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी भाई लोग उसके बाद हम लोग इसमें 5 फैन यूज कर रहे हैं जो कि है कूलर मास्टर के MF120 फैन, ठीक। अब इस फैन को मैं खोल के दिखाता हूँ कि है कैसा। ये 5 फैन, दो जो हमारे उसके हैं वो भी फैन इसी में, ये यही लगा रहे हैं, जो AIU में फैन लगा रहे हैं वो हटा के ये फैन लगा रहे हैं, एक पीछे और दो नीचे। ये देखिए हमारा फैन आता है कूलर मास्टर का MF120, क्या गजब फैन है। आप सबसे अच्छी बात मुझे ये फैन पसंद क्यों है, क्योंकि इसमें फुल RGB यहाँ पे भी है और ये दो रिंग गए हैं कूलर हेलो फैन की तरह, यहाँ पे भी इसमें RGB दे रखी है, ठीक है। जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी आता है, एक फैन की कॉस्टिंग आती है अराउंड 1000 rupees के आसपास। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फैन टोटल इसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए भाई इसमें जो रैम यूज हो रही है वो भी यूज हो रही है व्हाइट कलर की XPG स्पेक्ट्रिक्स D50 8x2 3200 MHz। ये देखिए यहाँ से फुल सीड पैक, यहाँ से भी देखिए फुल सीड पैक और ये रहे इसके सीरियल नंबर देखिए रैम के, ठीक। आपके सामने इसको हम करते हैं अनबॉक्स। ये देखिए भाई हमारी रैम हो गई, काफी वेटेड रैम आती है, व्हाइट कलर की रैम है, काफी वेटेड रैम। और यहाँ पे देखिए इसका लिया हुआ सीरियल नंबर और ये देखिए यहाँ पे होती है इसकी RGB लिखा हुआ है XPG, ठीक है। उसके साथ साथ जो इसमें NVMe यूज हो रही है वो यूज हो रही है HP की EX900M.2 1TB की और फुल सील्ड पैक है ये देखिए। ये खुल गई हमारी, ये देखिए हमारी XPG की 1TB की NVMe। उसके साथ जो हम लोग इसमें प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ये रहा देखिए हमारा AMD Ryzen 5 5600 6 Core 12 Thread, ये रहा इसका सील नंबर, फुल सील पैक और यहाँ से निकला हमारा ये प्रोसेसर, ये देखिए ठीक है ये प्रोसेसर। और लवलीश तुम्हारा ये रखा है फैन, इस फैन को संभाल के रखना, ये फैन तुम्हें बॉक्स में रख के ऐसे ही आएगा, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसी के लगा रहे हैं इसमें लिक्विड कूलर तुम्हारा, क्योंकि कभी अगर बाई चांस कुछ इशू आया इसमें तो इसके साथ प्रोसेसर के साथ इसका फैन भी सबमिट होता है।
सो भाई लोग उसके बाद जो उसमें ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है Zotac Gaming की तरफ से आने वाला Zotac Gaming 2 इन एयर GeForce RTX 3050 8GB DDR6 iStorm फ्री और एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल की आती है, 2 साल 3 साल की आती है, 2 साल की आपको वारंटी एक्सटेंड करनी पड़ती है, इसको रजिस्टर्ट करना पड़ता है आपको वेबसाइट पे, ठीक। और ये रहा सीरियल नंबर, भी दिखाओ, ये देखिए ये रहा इसका सीरियल नंबर और ये रही इसकी सील, जो करते हैं हम ब्रेक, देखो अंदर से ये निकला आपका प्रेम पद और ये निकला हमारा ग्राफिक कार्ड, ठीक। ये देखिए दिखने में कुछ इस तरह ग्राफिक कार्ड है, डुअल फैन के साथ आता है, 8GB का DDR6 बेस ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड है। और इसके साथ हम एक चीज़ और यूज़ कर रहे हैं, दिखाओ लो बेटा, हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं XPG की 24 पिन का मॉड केबल, RGB मॉड केबल। इस मॉड केबल के बारे में तो उसको पता ही नहीं है, लवलीश को पता ही नहीं हम लोगों ने, क्योंकि हमें थोड़ा सा लुक भी अच्छा चाहिए था, तो ललीश को हम लोगों ने इसके बारे में बताया नहीं। ये मेरे और अंकित की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है लवलीश के लिए, जिसकी हम लोग अमाउंट लवलीश से नहीं लेंगे, ये मेरे और अंकित की तरफ से जाएगा। क्यों पंडित? हाँ, ये रहा 24 पिन की मॉड केबल, ARGB मॉड केबल इसमें लग रही, ठीक भाई। तो ये कंपोनेंट आपने देख लिया, अब फटाफट इसको करते हैं अंकित भाई के शुभ हाथों के साथ बिल्ड। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. तो भाई लोग पीसी देखिए कंप्लीट हो चुका है A to Z, और सीरियसली बता रहे हैं जब हम आपको इसका साइड का फर्स्ट लुक दिखाएंगे ना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले आप इंजॉय कीजिए इसका केबल मैनेजमेंट, लियानली O11 डायनेमिक, सॉरी लियानली लैनकूल 2 मेश का केबल मैनेजमेंट देखिए भाई साहब। अगर आपके टेबल पे सिस्टम ऐसा रखा हो और केबल मैनेजमेंट ऐसा दिख रहा हो तो कैसा फील होगा आपको, सोचो क्या जबरदस्त, क्या खूबसूरत केबल मैनेजमेंट किया हमारे बच्चों ने, देखिए जबरदस्त, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड का, और ये देखिए लुक देखिए यार, एक बार आप मजा ना आए तब कहिएगा, एक बार लुक देखिए, सिर्फ लुक के पैसे हैं, ये देखिए लुक क्या जबरदस्त लुक लग रहा है, देखिए आप। हम सोच रहे हैं इस वॉल को ना येलो कलर हटा के ग्रे करा दें और इस वॉल को किसी और कलर से करा दें, क्योंकि ये कलर ये और ये येलो ये जो है वो करता है यार, डिप्रेशन क्रिएट करता है, सही कह रहे गलत कह रहे बताओ आप लोग, ठीक है। तो लवलीश भाई ये देखो ऊपर आपके 240 mm का AIO, और अब सीधे सीधे अब इसको करते हैं ऑन, 3, 2, 1 गो। ओ भैया, ओ भैया, अरे गजब, अरे गजब, अरे नहीं क्या मुस्कुरा रहा है ये पीसी, क्या गजब स्माइल दे रहा है, एक बार लुक तो देखिए, लुक देखिए, लुक ये देखिए, ऑरस का जो हमारा ये ARGB हेडर है ना, इसको आप देखिए एक बार कैसा लग रहा है, सीरियसली बता रहे डैम स्मार्ट लग रहा है, डैम स्मार्ट। ये देखिए ये आपके फैन हो गए कूलर मास्टर के SF120, और ये देखिए लुक देखिए आप पूरा, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको जूम कर करके, ये देखिए क्या प्यारा थीम देखिए कितनी अच्छी निकल के आई है, ये देखिए जबरदस्त थीम निकल के आई है, ये देखिए मजा आ जाए देख के इंसान को, फुल मतलब फुल RGB बेस्ड है, और परफॉर्मेंस तो है ही, देखिए 3 RGB फैन इसके रहे फ्रंट में, ठीक है, और बाकी मजा आ रहा है देख के। सुफी लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करने के बाद कैसा लग रहा है, सारी लाइट ऑफ करो भाई, देखिए सारी लाइट ऑफ होने जा रही है, 60%
ओ यार, अरे देखो ये लाइट सारी ऑफ है, सारी लाइट्स ऑफ होने के बाद आपका सिस्टम अगर आपके टेबल पे यूं रखा हुआ है और ये यहाँ पे आप बैठे काम कर रहे हो तो लुक कैसा आएगा आप ये बताओ। ये सिस्टम किसको किसको पसंद आया देखो, और इसमें ग्लास लगाया, किसी को फील हो रहा है कि इसमें ग्लास लगा है? देखो कहीं दिख ही नहीं रहा है ग्लास है, आप बताओ कहीं दिख रहा है कि इसमें ग्लास लगा हुआ है? प्लस इसमें ग्लास लगा हुआ है, ये यहाँ से ये खुलेगा, देखो ये खुला और ये खुला आपका दरवाज़ा, ठीक है ये देखो ये ओके, पता ही नहीं चल रहा है कि लगा भी है ग्लास या नहीं लगा है, और ये आपको यहाँ से खुल जाएगा और ये देखिए मस्त लगा, जबरदस्त मजा आया। इसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, देखो यहाँ पे बटन है, इसके बटन से इसके कलर्स चेंज होते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखना अभी ये देखो है इफेक्ट चेंज हो रहे हैं इसके, और ये देख लो ये इफेक्ट चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट चेंज होते हैं। उसके बाद ये लग जाता है, ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं कलर मस्त, ये सिंगल कलर, ये ARGB भी चल रहा है, ये पूरा रेड रेड हो गया, देखिए फुल रेड हो गया, फुल ये हो गया चेंज है। और इसका रिमोट भी आपको दिखाते हैं, तो भी लाइट ऑन करो तो जाके ये देखो है। अब मैं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, आपको इसका दिखाऊँ रिमोट, देखो ये रहा इसका रिमोट, इस रिमोट से जो ये AIO हमारा है, AIO का हेडर चेंज होता है, ये देखो हेडर का कलर चेंज हो रहा है, ये देखो हेडर के वो सब चेंज हो रहे हैं, ये देख लो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शन जो चाहो वो कर लो आप, बहुत सारे मतलब कुछ भी कर लो, ये देखो मोड चेंज कर सकते हो, ये देखो मल्टीपल कर लो आप सीधे। भैया हम इसका मॉनिटर अनबॉक्स करते हैं, 27GL650F कीबोर्ड माउस अनबॉक्स करते हैं, फिर चलते हैं बेंचमार्क। सो भाई लोग ये देखिए, ये हमारा मॉनिटर अनबॉक्स हो चुका है, LG का है 27GL650F 27 इंच IPS पैनल और NVIDIA G6 144Hz और 1 ms पे ये हमारा है। अब हम इस पर टेस्ट करने जा रहे हैं, देखिए गेम देखिए सिस्टम से हमारा ये अटैच हो रखा है, ये देखिए अब हम इस पर लगाने जा रहे हैं गेम्स, जो जो गेम्स चलेंगे वो आप देखते जाइए। I'm invincible.
seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. तो लवलीश, सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने सिस्टम देखा इसका कि क्या क्या कंपोनेंट लगे, लुक कैसा आया, एक बार आप लुक देखो। मैंने देखो यार पूरी कोशिश की, लुक पे पूरा ध्यान दिया कि बेस्ट से बेस्ट लुक निकल के आए, और वैसे ही इसकी हमने जो आपके एस्थेटिक्स पे पूरा ध्यान दिया कि हमारा एयर फ्लो अच्छा रहे, नो डाउट एयर फ्लो बहुत बढ़िया करके निकाला है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी आपने देखी कि इतने सारे गेम्स चले, उन गेम्स में किस गेम्स में कितने FPS निकल के आ रहे थे वो भी आपने देखा। वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हुई है, लेकिन क्या करें यार, कंटेंट कुछ ऐसा होता है कि हमें लंबा खींचना पड़ता है, सब कुछ आपको दिखाना है, बहुत ज़रूरी है। तो भाई बिल्ड अपना बहुत भौगाली बनाए, और लवलीश बहुत बहुत मुबारक तुम्हें तुम्हारे PC के लिए यार, और प्राइस मत पूछना इस PC का कितना है, पता नहीं वीडियो में बताया है हमने या नहीं बताया है, और कोशिश हमने यही की कि इसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें निकाल के दें। ठीक भाई, तो इसी तरह कोई आपको PC बिल्ड करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आजकल कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पैसा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं ना वो बिल्कुल जेन्यून दे रहे हैं। जेन्यून इन द सेंस कंपनी की सील्ड पैक, ओरिजिनल, नॉन यूज, नॉन इम्पोर्टर ब्रांड की चीज़ दे रहे हैं, और जो चीज़ दिखा रहे हैं वो आपके सामने दिखा रहे हैं, पीछे सील ब्रेक नहीं करते हैं, पीछे कंपोनेंट नहीं लगाते हैं, आपके सामने की एक चीज़ दिखाते हैं कैमरे के सामने, और विद फुल ऑफ एश्योरेंस के साथ देते हैं। उसके पीछे कोई कुछ भी कहे, लूट रहे हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो, कोई मैटर नहीं करता। अभी कल एक वीडियो पता नहीं किसने आई, फलाना ढिमका, फलाने बंदे ने 1,20,000 में 30-60 दे दिया, और ये लोग देखो ये दे रहे हैं। फिर मैंने जब हमने कंपोनेंट चेक किए तो उसने NVMe लगाई नहीं थी, हार्ड लगा स्टार्टर लगा रखी थी, और 5600X 5800X प्रोसेसर लगा था, उसमें 120mm का एयर कूलर लगा रखा था। अब आप ऐसी शिट चीज़ों को क्या बोलोगे, 5800X वो लगा दिया, कॉस्ट कटिंग कर दी वहीं पे, वहीं का हम AIU लगा देंगे तो आप लोग चिल्लाओगे। तो इसीलिए भैया जो बंद दिमाग वाले हैं ना, वो उनके लिए नमस्ते, आप अपना दिमाग बंद रखो, कमेंट सेक्शन में चिल्लाते रहो, लेकिन जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि क्या आता है। जो चीज़ हम देते हैं, हम आप हमसे PC बिल्ड कराने आओगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि आपका बजट क्या है, हम ये देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना बजट दोस्त आएगा आपका। अगर नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते हैं कि 1,00,000 में आपको ये करना, तो हम जबरदस्ती करके ठूस ठास कर देते हैं आपको, और बाद में प्रॉब्लम हो तो आप चिल्लाओ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखना कि हमारा अंकित का मोटिव ये रहता है कि आपकी नीड फुलफिल होनी चाहिए, ना कि आपकी बजट फुलफिल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो कोई नया PC बाय करना हो तो अंकित का नंबर दिया है यहाँ पर, 9532777765, वहाँ जाके अंकित को मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज कीजिएगा अंकित को, आपको फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, भर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं हमको। ठीक भाई, तो बहुत बहुत मुबारक लवलीश भाई आपको, वीडियो इतनी लंबी देखी हो, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आई कोई बात ही नहीं। ठीक भाई, सो आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुशी से रहिए, ऐसे में खेलते रहते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना।